ये जी मैं अपनी बड़ी खाला के घर पे हूँ और उनके घर में भी माशाल्लाह दो अदद ये उनके पोते पोतियाँ मौजूद हैं और ये उनकी पोती है जिसको बहुत शर्म आ रही थी। वैसे तो ये अपने आप को लड़की मानती नहीं और कहती है कि मैं बेटा हूँ और इसको हमसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो ये यहाँ गीजर के पीछे आके छुप गई थी और यहाँ से इसको बहुत मैंने लालच दिया कि चलो मैं तुम्हें चीज़ लेके देती हूँ, मेरे साथ आओ, लेकिन ये किसी सूरत नहीं मानी ना। बहुत ही क्यूट माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। तो रात में हम डिनर पर इनवाइटेड थे किसी के साथ और भाई के इन लॉज की तरफ से, और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था बागबान बारबेक्यू के नाम से और बहुत मॉडर्न और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, ओपन एयर भी था और कवर्ड एरिया भी था। तो हम लोग जो है वो ओपन एरिया में गार्डन साइड पे ही बैठे थे, ये बाद में हम लोग जो है वो कवर्ड एरिया देखने के लिए उठे थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था और फूड जो है वो यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़े का था। जो जो आइटम भी मंगवाए सभी बहुत आउट क्लास थे, तो जो भी चखवा जाए ज़रूर उसको ट्राई करें। तो जिस दिन वापसी थी उस दिन दोपहर में मैं खाला और उनके बेटे के साथ ऑटो कार वॉश की तरफ आ गए थे, तो वो बस कज़न मेरा लेके आ गया था। तो यहाँ पर है जी ये एक बेकरी है फूड स्टोरी के नाम से, तो यहाँ पर वो हमें लेकर आया और यहाँ से हमने ली पेस्ट्रीज, रेड वेलवेट पेस्ट्री ली अब्दुल बारी ने, मैंने ली है जी फज ब्राउनी और साथ हमने लिया था मैंगो ड्रिंक और मिल्क शेक। तो बहुत ही प्यारा मंज़र था यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर था। मैं मतलब बहुत हैरान हो रही थी कि मैं काफ़ी सालों बाद चकवाल आई और इतना मॉडर्न सिटी हो चुका है चकवाल कि बल्कि मुझे लग रहा है कि लाहौर से ज़्यादा अच्छी जगह यहाँ पे बन गई है जहाँ आप जो है जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये देखिए बाहर साइड पर भी इन्होंने बहुत अच्छा पार्क भी बनाया हुआ था और पीछे सारे खेत वगैरह भी थे, तो मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई और मज़ा भी बहुत आया। तो ये हमारा लास्ट डे था चौथे दिन, इसी तरह रात में हम वापस आ गए थे। और जी वापस आने के बाद ये हमारे जो हैं शहजादे साहब, इनके साथ हमारी जो है वो पार्टी चल रही थी और इसकी एक्साइटमेंट भी देखने वाली थी जब हम लोग जो है घर के अंदर एंटर हुए थे। और ये बहुत खुश होता है जब इसको इस तरीके से इसके मन पसंदीदा जो है वो अफराद एड के नज़र आए। तो खैर बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो इसके बाद इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो अब नॉर्मल रूटीन में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।